एक केबीएन ऑटो गैस सीएनजी में, ये ओल्ड ऑटो रिक्शा जिसका मॉडल है 2011। हाँ, 2011 का पुराना ऑटो रिक्शा में हमने सीएनजी लगाई है। आज हम आपको इसका पिकअप और एवरेज कितना आ रहा है वो बताएंगे। हम कुछ 30 किलोमीटर के आसपास रन करने वाले हैं। अभी आप लोग देखिए इसमें सीएनजी का प्रेशर कितना है। इसमें सीएनजी का प्रेशर 160 का प्रेशर है इसके अंदर। ये 100 के ऊपर आप लाइनिंग गिन सकते हैं। एक लाइन 20 के प्रेशर की होती है, 20 के प्रेशर की होती है। तो ये आप लोग अपने दिमाग में, माइंड में नोट रखना, ठीक है। अभी इसके बाद हम आप लोगों को हमारे मैकेनिक जावेद भाई से मिलाते हैं। ये हमारे मैकेनिक जावेद भाई है जो सीएनजी की बहुत अच्छी बेहतरीन सेटिंग भी करते हैं और बहुत अच्छे मैकेनिक भी हैं। और इसमें किलोमीटर भी आप लोग देख लीजिए कितना किलोमीटर है। अभी इसका किलोमीटर है 004, लास्ट में 004 है। इसके बाद हम आपको इस गाड़ी के ओनर हमारे इलियास भाई, ये इलियास भाई है इस गाड़ी के ओनर। ये इनको सीएनजी लगा के एक वीक के आसपास हो गया है। तो ये भी हम इनकी गाड़ी हम खुद चला के देखने वाले हैं। ये बहुत खुश है, इनको एवरेज पता है, 45 के आसपास में इसका एवरेज भी आ रहा है। तो हम आप इसको चला कर इसका पिकअप और एवरेज कैसा कितना आ रहा है बताएंगे। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करके रनिंग करने जा रहे हैं। तो गाड़ी की स्टार्टिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है इसकी, जूना ऑटो है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जूने ऑटो को सीएनजी नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास हर ऑटो का अप्रूवल है, 2006 से लेकर 2020 तक के ऑटो का अप्रूवल है। तो आप लोग अपने ऑटो पे सीएनजी लगा सकते हैं, टू स्टॉक में भी लगा सकते हैं और बेस 3 में, बेस 4 में भी सीएनजी लगा सकते हैं। अभी देखो हम ये रनिंग कर रहे हैं, कितना स्मूथ तरीके से गाड़ी चल रही है। अभी हम उसको मीटर भी दिखाएंगे, गाड़ी का मीटर कितनी स्पीड पे है, क्या पिकअप है आप देखिए। अभी इस वक्त 50 के ऊपर मीटर जाता हुआ, 50 के ऊपर स्पीड मीटर। यदि स्पीड ब्रेकर पे हम रुक के देखिए, फिर से तुरंत इसका पिकअप आ गया। अब देखिए जरा भी कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे उठाने के बाद में बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी चल रही है। अगर इसकी प्रॉपर सेटिंग हो जाए सीएनजी की तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। अगर इसका प्लग और प्लग का कॉइल अगर ये वीक हो तो सीएनजी पे दिक्कत देता है, तो ये नया डाल देना चाहिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 230 रुपये का कुछ कॉइल आता है, वो चेंज कर देना चाहिए। देखिए 60 के ऊपर गाड़ी की स्पीड रनिंग, 60 पर गाड़ी की फर्स्ट क्लास रनिंग चल रही है। गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, देख सकते हैं। और अभी इसके बाद आगे फ्लाईओवर भी आने वाला है, तो फ्लाईओवर के ऊपर भी आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से इसका पिकअप है। देख सकते हैं सिग्नल छूट गया, अभी हम लोग फिर वापस आगे बढ़ेंगे। सिग्नल है अभी चुटानी में, गाड़ी और हमारी गाड़ी फिर से रनिंग स्टार्ट हो गई है। अब इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से एंड तक का, तो आपको इसमें बरोबर समझ में आएगा। बहुत लोग का ऐसा मानना है कि चुना ऑटो नहीं चलता है, पुराना 10-11 साल पुराना ऑटो नहीं चलते, तो 10 साल पुराना ऑटो भी अच्छे से चलता है। हमें एडवाइस में हमने हमारे को 45 के ऊपर का एवरेज ये ऑटो ने दिखाया है। कुछ ही देर में फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर पे भी आप देख लेना गाड़ी की रनिंग कैसी है। बस आपको अपनी गाड़ी की प्लग कॉइल वो सही रखना है और दूसरा कुछ भी नहीं है। हम आपको एक बार फिर से गाड़ी रोक कर कितने सेकंड में गाड़ी पहुंचती है, पिकअप लेती है 60 का, उसको आपको एक बार फिर चेक कराएंगे। के बीच में गाड़ी रनिंग करती है, जूना ऑटो 2011 मॉडल का, इस तरीके से बेहतरीन तरीके से चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पुरानी मॉडल ऑटो रिक्शा, बजाज का ऑटो रिक्शा, 70 पे
नोएडा फ्लाईओवर आने वाला है, टच होता हुआ फ्लाईओवर जो कर लिया आप लोग, इसका भी तो देख लेना वैसे पैसा के ऊपर और सत्तर के करीब है। अभी आगे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर आपको पिकअप बताएंगे। अभी देखो 7 सेकंड है, गाड़ी 50 के ऊपर की स्पीड में है, 55-60 के बीच में काटा है बराबर। किस तरीके से परफॉर्मेंस आ रहा है, ये सब फिटिंग सही तरीके से और सेटिंग सही तरीके से होती है तो सब बराबर आता है। और ये फ्लाईओवर खत्म होने आया, डाउन होते हुए देख सकते हैं फ्लाईओवर को, प्रेशर कितना बचा है दिखाएंगे और गाड़ी कितनी किलोमीटर चल चुकी है वो भी दिखाएंगे। आ गए, गाड़ी स्टॉप हो गई। दरगाह हजरत खलीफ तो रमन सरकार का गेट है, आगे अभी इसका किलोमीटर है 93037 और प्रेशर बचा है, हम लोग ने 60 के प्रेशर पे गाड़ी निकाली थी और इसका प्रेशर 130 है, 140 और 120 के ये ढाद हिल गया मेरा, ये इसको मैं खड़ा करके दिखाता हूँ।
देखो 130 का प्रेशर। एक सौ साठ पे हम लोग ने निकाले थे और ये 130 का प्रेशर है अभी इसके अंदर।